जमशेदपुर के सिद्धपुरा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर में शुक्रवार देर शाम पुलिस की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान रघुवर समर्थकों ने सरयू समर्थकों को दौड़ा कर पीटा, लाठी डंडे, कुर्सियों और टेंट के पाइप से वार किया गया। इसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग सिद्धपुरा थाना पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद प्रशासन ने सिद्धपुरा टाउन हॉल परिसर के मेन गेट पर ताला लगा कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा कर दी। सिद्धपुरा सूर्य मंदिर परिसर में 2002 से रघुवर समर्थकों भाजपा का वर्चस्व रहा है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के बनने के बाद सूर्य मंदिर कमेटी दो पक्षों में बंट गई। 2019 के इस चुनाव में रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय ने मंदिर परिसर स्थित परिसंपत्तियों के रघुवर समर्थकों के व्यावसायिक इस्तेमाल की शिकायत शासन व प्रशासन से की थी। प्रशासन ने अधिकांश परिसंपत्तियों को अपने अधीन ले लिया। हाल में वहां संचालन समिति बनाई गई है, इसमें सरयू संरक्षक बनाए गए हैं। विधायक सरयू राय ने कहा कि यह हमला सुबोध श्रीवास्तव समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर नहीं बल्कि मेरे ऊपर है। अभी शहर से बाहर हूँ, बेंगलुरु से शनिवार को शहर पहुँचने पर जानकारी लेंगे, इसके बाद रणनीति तय होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।